यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी होंगे और भाई मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों। थोड़ी सी यार मेरी तबीयत ख़राब सी चल रही है, इस वजह से बहुत सारे भाइयों का ये कहना है कि आरिश भाई आपकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगती है यहाँ पर गेम प्लेस के अंदर। तो भाई देखो थोड़ी सी मेरी यहाँ पर जो तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लो यार, ठीक है ना। तो गाइस आज का ये जो एपिसोड है, कल के एपिसोड में आपने यहाँ पर देखा कि ट्रेवर ने दोस्तों एक फॉर्च्यूनर थी, एक क्रेटा थी दोस्तों, फिर उसके बाद हम दोनों गाड़ियों को दोस्तों वहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों दोनों की दोनों यहाँ पर जो सेल आउट हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, मैंने दोनों की दोनों कार्स दोस्तों यहाँ पर बेच दी है। मैंने क्रेटा बेची यहाँ पर 35 लाख डॉलर की, 35 लाख डॉलर की, और जो फॉर्च्यूनर वो बेची दोस्तों 40 लाख डॉलर की। तो टोटल मेरे पे यहाँ पर 85 लाख डॉलर हो चुके हैं भाई साहब, 85 लाख डॉलर्स दोस्तों। सोचा है कभी इतना सारा पैसा दोस्तों? 85 लाख डॉलर भाई साहब। बट दोस्तों 80 लाख मेरे पास 80 लाख तो पूरे कैश है, 5 लाख मैंने भी कहीं अटकाए हैं। और दोस्तों 5 लाख मैंने कहाँ पर अटकाए भी, मैं जस्ट यार यहाँ पर आया था, मैंने ओएलएक्स के ऊपर दोस्तों गाड़ी देखी थी और फाइनली मैंने डील जो कंफर्म कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पर मुनाफे के दोस्तों 80 लाख रुपये हैं और 5 लाख रुपये मैंने एक जगह फंसाए हैं दोस्तों। वो मैंने क्या लिया है, लेट मी जस्ट शो यू। ऑलराइट देन गाइस, तो आप सब लोग गाइस यार यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो है महिंद्रा की दोस्तों थार परचेज की है। ये थार DI वाला वेरिएंट है, 4X4। अब तो एक लेटेस्ट थार भी आ चुकी है, तो उसकी वजह से ही उसे बंदे को वो लेनी होगी, तो भाई इसने सस्ते दामों पर मुझे दी थी। चलो वैसे गाड़ी तो बहुत अच्छी है दोस्तों, गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट दोस्तों, गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खुद ही नहीं होता, देखो मैं चला कर आपको दिखाता हूँ। वेट अ व्हाइल, क्या बात है, एक नंबर दोस्तों। थर्ड गियर डाल दिया, फोर्थ गियर डाल दिया, फिफ्थ गियर डाल दिया, सिक्स्थ गियर है नहीं, पांच ही गियर हैं गाड़ी के अंदर। सही है, सही है, सही है, सही गाड़ी। वैसे दोस्तों सही है, हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, गाड़ी ऐसी है वैसी एकदम, जिसको कहते हैं ना ठीक गाड़ी है, वो है दोस्तों कार। हम इसके यहाँ से जो है इसका हज़ार्ड सिस्टम चल जाता है। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर दोस्तों, जिसको कहते हैं ना वो चलती है गाड़ी। ओ भाई साहब, चलाने में तो देखो दोस्तों मज़ा तो आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। मैं बस इसकी टेस्टिंग वगैरह ही कर रहा था, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जो टेस्टिंग करनी चाहिए। चलो ये हो गई हल्का सा, यहाँ पर टूटने वूटने की टेस्टिंग होती रहती है। चलिए दोस्तों अब मैं ज़रा इसको हल्के हल्के रोडों पे को चला कर देखता हूँ, एक छोटी सी जंप भी हो जाए। ओके चलिए सही है, गाड़ी मेरे को A1 लगी है दोस्तों। मैं जिसकी कंडीशन एक बार चेकआउट करना चाहता था कि गाड़ी का जो बैकग्राउंड है ना, जिस बैकग्राउंड से गाड़ी बिलोंग करती है, तो उस बैकग्राउंड पे तो गाड़ी भाई खरी उतर रही है ना दोस्तों, खरी उतर रही है बिल्कुल। चलिए अब दोस्तों मुझे इस गाड़ी को जो है लॉस सैंटोस यहाँ से जो है लेकर जाना होगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर ना एक वर्कशॉप रेंट पर लेने की सोच रहा हूँ, और उस बंदे से आज मेरी जो है बातचीत होने वाली है। तो मैंने उसको कहा था कि भाई तो मुझे बुला लेना वहीं पर जहाँ पर भी उसकी वो है दोस्तों, तो आज मुझे उससे मिलने जाना है। एक वर्कशॉप भी मैं यहाँ पर रेंट पे लेने वाला हूँ, जहाँ पर मेरी, मैंने उनको ये बोला है कि जो भी मैं इंडियन कार्स आपको दूंगा तो उसकी एक सर्विस भी हुआ करेगी। तो मैं सोच रहा हूँ एक सर्विस सेंटर यहाँ पर रेंट पर दोस्तों परचेज कर लिया जाए। चलिए रेंट पर परचेज कर लूँगा ना तो भाई वो ज़्यादा सही रहेगा, रेंट पर परचेज नहीं, आई मीन रेंट पर ले लूँगा। ओके दूसरे गियर में ही उठानी पड़ेगी गाड़ी को, फोर्थ गियर, ओके तो फिफ्थ गियर, पांच गियर दोस्तों जो गाड़ी में लग चुके हैं। बढ़िया, एक नंबर दोस्तों कार जो है यहाँ पर चल रही है, क्या बात है दोस्तों। चलो चल मेरी धन्नो, चल मेरी धन्नो, चल चल चल,
एक नंबर गाड़ी चल रही है गाइस, 93। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर 200 कार जो है चली है। वैसे दिक्कत पानी तो गाड़ी के अंदर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना बाइक को भी कुछ दिक्कत हो इसके अंदर या फिर कुछ ऐसा, दोस्तों कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में। गाड़ी जो है एकदम स्मूथली वर्क कर रही है, स्मूथली चल रही है। कहीं कोई तुम चला लो पाँचवें गियर छःवें गियर में, एकदम लिटरली मक्खन की तरह गाड़ी जो एकदम निकल के चलती है। ये थोड़ी सी बातें दोस्तों मुझे यहाँ पर इस कार की बहुत अच्छी लगी हैं। तो दोस्तों एक वर्कशॉप है जहाँ पर मैं जाने वाला था, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाने से पहले मैं एक बार उस वर्कशॉप पे चलता हूँ, फिर मुझे इस गाड़ी के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाने हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम उस वर्कशॉप की और दोस्तों यहाँ पर जो है निकलते हैं आराम से। वो तो अच्छा, वो दोस्तों थार जो है होती है ना थोड़े बड़े टायरों के साथ ही यहाँ पर जो दोस्तों अच्छी लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ जो मैं दूसरी गाड़ी भी लूँ ना वो एज अ थार का नया मॉडल हो सकता है। अपने शोरूम पर खड़ी करने के लिए भी शोरूम कहाँ है दोस्तों, अभी तो नॉर्मल सी आप उसको जो भी जहाँ पर भी मेरी वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको उसको दुकान ही बोल सकते हो, अभी नॉर्मल सी, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी अभी आप उसको दुकान ही बोल सकते हो। चलो चलते हैं दोस्तों, अभी तो सही चल रहा है, बढ़िया। और राइट गाइज, तो यहाँ पर भाई मेरी जो बंदे से बातचीत हो चुकी है, और गाइज यहाँ पर एक बंदा है जो कि गाड़ियों की सर्विस वगैरह कर दिया करेगा। तो ये जो है दोस्तों 50,000 महीना, तो गाइज ये जो लोकेशन है 50,000 रुपये महीने पर हमें मिली है। मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊँ ऊपर क्या है, ऊपर बेसिकली ज़्यादा कुछ है भी नहीं, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी वर्कशॉप नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्स की सर्विसिंग वगैरह हो जाया करेगी, ठीक है ना दोस्तों। ओके ऑलराइट गाइज, तो आपको ये कैसा लगा, स्टॉक टायर्स यहाँ पर जो है सब कुछ हो जाया करेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज और है, पर दोस्तों अगर मैं अब पूरे टोटल खर्चे की बात करूँ तो गाइज देखो 85 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कमाए, ठीक है 85 लाख डॉलर, 5 लाख की थार आ गई, 50,000 यहाँ पर लगा दो, 50,000 ठीक है। और अब दोस्तों मेरे पे चलो 80 मान लो, 80 बचे हैं, 5 की लगाओ अभी इसको मत जोड़ो, तो गाइज यहाँ पर मेरे जो है 40 लाख डॉलर एक चीज़ में भी लगे हैं दोस्तों, जी हाँ, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 दिन में दोस्तों तैयार करवाया है, जी हाँ 2 दिन में तैयार करवाया है। अब 40 उसमें लग गए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर जो है 39.50 बचे हैं, ठीक है 39,50,000 बचे हैं। तो अब वो 40 लाख में मैंने यहाँ पर क्या करवाया आज मैं भी आपको वही दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों यार आपको पता है जो मैंने वहाँ पर ज़मीन ले रखी है ना वो भाई ऐसे तो देखो थोड़ी सी देखो बुरी तो देखो गाइज लगती है यार, कोई बोले चाहे ना बोले, पर आप ही बता दो यार। देखो दोस्तों थोड़ी बहुत ही तो बुरी थी, तो देखो दोस्तों लगती तो है ही, चलो इधर से बढ़िया क्या बात है, चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों यार वो जो चीज़ है मतलब जहाँ पर मैं गाड़ियाँ वगैरह सेल करता हूँ, आपने कल लोकेशन देखी, वो लोकेशन देखने के बाद आप सभी लोग भी ये सोच रहे हो कि आरिश भाई आप जहाँ पर ये गाड़ियाँ बेच रहे हो यार थोड़ी सी जो जगह है प्रोफेशनल हो सकती थी आरिश भाई। देखो यार मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट्स आए के, तो भाई देखो जितना अभी फ़िलहाल मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने एक ऐसी चीज़ बना ली है जहाँ पर मतलब मैं बैठ सकूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा यही सपना था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखो दोस्तों हुआ है चेंजिंग वगैरह तो करवाई है, अब देखूंगा वो आपको अच्छी लगी क्या नहीं, और मैं एक मैकेनिक से वहीं पर ही करवाऊंगा अभी ये काम भी टायर्स वगैरह का भी। जो स्कीम दोस्तों मेरे हाथ में लगी है ना टायर को बड़ा करना फिर गाड़ियों को प्रमोट करना इस टाइप का ये जो जो चीज़ है दोस्तों अभी तक ये किसी को नहीं पता लॉस सैंटोस में, इसीलिए तो भाई ट्रैवल का बिजनेस इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल पड़ा है वो भी इंडियन कार्स को लेके। और थार तो भाई बहुत भयंकर मॉडिफाइड होगी थार का सस्पेंशन और एक्सेल एकदम उठ जाएगा एकदम, और इसमें तो मैं उन सबसे बड़े टायर लगाने की कोशिश करूँगा, अगर लग गए ना दोस्तों तो भाई 50 लाख रुपए की बिकेगी मेरी थार, मॉन्स्टर थार 5 लाख की लेके सीधा 45 लाख का मुनाफा होगा, अगर खैर जैसा मैंने सोच रहा हूँ दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ना हुआ भाई फिर तो देखो दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। चलो बढ़िया इधर से मोड़ लेता हूँ। अरे चाचा जी कहाँ बीच में आ रहे हो यार आप, एक तो ना लोग बाग दोस्तों बीच में ही आते रहते चलते रहते हैं। चलिए मैं यहाँ से जो है लेफ्ट टर्न लेकर बिल्कुल सीधा ही निकालूंगा गाड़ी को, चलिए क्या बात है दोस्तों
क्या बात है गाइस, हमने यहाँ से निकाला, बढ़िया। चलिए थोड़ा आराम से दोस्तों, और मुझे यहाँ से जो अब टर्न लेना पड़ेगा रोड के ऊपर को। चलो वो तो दोस्तों मैं ले लूँगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा मामला पानी नहीं है, छोटा ही मामला पानी है, वो तो चलो हम कर लेंगे। चलिए तो दोस्तों दिखाने का मौका, तो लोग बाग गाड़ियाँ ठीक नहीं चलाते। चल थार को कुछ हुआ नहीं भाई, वरना फिर डेंटिंग पेंटिंग पे खर्चा आ जाएगा इसकी। मुनाफा फिर ना वही पहुंच जाएगा जितना है। टेन टेन डेन डेन, पर हाँ मुझे पता है कुछ ज़्यादा कोई बड़ा ओपी चीज़ नहीं है, बस जो भी है दोस्तों यही है। देखो कुछ लोगों को तो पता तो चला है ना कि यहाँ पर इस टाइप की गाड़ियाँ मिलते हैं। तो दोस्तों देखो 40 लाख डॉलर में, चलो मैं पहले ना इसको खोलता हूँ। चल भाई को, ओ तेरी, अबे भाई लॉक लगा रखा है उसने, रुक जाओ। एक बंदा भी तो यहाँ पर, चौकीदार भी तो रख रखा है, वरना तो भाई चौकीदार तो ऐसी तैसी कर देगा। चलो दोस्तों पहले ना मैं आपको बाहर से लुक दिखा देता हूँ। ये देखो लॉक लगा हुआ है इसके अंदर अभी, ठीक है ना। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, सबसे पहले पूरा बेस तैयार करवाया कंक्रीट का, उसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगवाई, फिर उसके ऊपर चारों तरफ दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लैक वाली, ये जो एक मैट फिनिश की कुछ दीवार होती है दोस्तों वो, और ऊपर भी दोस्तों एक अलग से ही करवाया। लेट मी शो यू, मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, रुक जाओ। 3 2 1, ये देखो। तो गाइस काफ़ी छोटा सा है, ऊपर से आप परते देख पा रहे हो। देखो ज़्यादा मतलब अच्छा ओपी काम आप नहीं बोलोगे इसको, बट हाँ इतने पैसों के अंदर काफ़ी अच्छा काम दोस्तों यहाँ पर जो है कर दिया है मेरे हिसाब से। देखो दोस्तों कर दिया है, बाकी आप बताइएगा आपका हिसाब गाइस यहाँ पर क्या कहता है। ज़्यादा बड़ी वो भी नहीं है, बाकी यार एक बंदा यहाँ पर बहुत परेशान कर रहा है वो। चल ना आया बड़ा, दादाजी की बंदूक रखता हूँ मैं हाथों में भी वैसे भी। चलिए ओके, तो भाई चलो ये, अबे यार ये बंदा भाई पागल हो गया है क्या, तेरी ऐसी तैसी, अब नहीं बचेगा तू दादाजी की बंदूक से। ओ भाई साहब ये तो चली नहीं दादाजी गन, अच्छा जी बच गए, बस बस यहाँ दिख नहीं रहा भाई साहब, इन्होंने दीवार खराब कर दी दोस्तों। चलो मेरे गन चलाने से वैसे यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। चलिए दोस्तों नहीं भी होगी, जब ड्राइवर पे पैसा आ जाता ना फिर नहीं भाई ये घबराता हो भाई दरवाजा खोल। बाकी यार दोस्तों मेरा कंप्यूटर सही लग रहा है ना, एक लैपटॉप भी, अब आराम से यहाँ बैठ के। चलो अभी जो भी है यार जैसा भी है, तो मेरा ऑफिस ही ना ऊपर से पूरा वाइट है, मैंने बनाने की कोशिश की है मेरी कॉफ़ी मशीन। भाई देखो आप सोच रहे होंगे भाई इतना बिल्डिंग में पैसा लगा, जितना डेकोरेशन के सामान में भी दोस्तों यहाँ पर पैसा लगा है। चलो ये जो है इसके नीचे दो गाड़ियाँ इस मैकेनिक से ठीक होने आई हुई है, तो सर्विस के लिए हमारी, बेचने की नहीं है। मैंने व्हील का सेट भी दोस्तों यहाँ पर मंगवा रखा है, कुछ इंजन ऑयल वगैरह मैंने यहाँ पर दोस्तों रख लिए। देखो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, और जितनी भी गाड़ी यहाँ पर बना करेंगी सब यहीं, और एक मैकेनिक दोस्तों मैंने यहाँ पर रख लिया जो कि वही व्हील वगैरह का हमारे लिए दोस्तों काम करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं जो है इस वाली गाड़ी के अंदर दोस्तों वो जो व्हील वाला सिस्टम है ना गाइस, वो मैं इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। और मैं इस वाली गाड़ी में इंस्टॉल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा ओपी यहाँ पर जो है लगेगी। चलिए इसको बहुत आराम से अंदर लेकर चलता हूँ, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए बैक कर लेता हूँ, बढ़िया हल्का सा और बैक, बढ़िया चलो बढ़िया बढ़िया चलो। चलो 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 हल्के हल्का सा, हल्का हल्का, ओके ओके ओके। मुझे काफ़ी प्यार से गाड़ी को जो उधर को लगानी पड़ेगी। अरे यार थार जो है एकदम ना रिडक रिडक की इधर को आती है। बढ़िया चलो जी, क्या बात है दोस्तों।
तो भाई इस लिफ्ट के ऊपर उठकर ही यहाँ पर जो है थार के ऊपर दोस्तों यहाँ पर काम वगैरह अब स्टार्ट होगा। चल भाई मेरे गुरु हो जा शुरू। राइट गाइस, तो यार यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर हमने गाड़ी के अंदर जो एड ऑन करवी सर्विस वगैरह करा ली है, प्लस इसके ऊपर एक ये हुड सा लगवा लिया है, बट दोस्तों अभी जो व्हील्स हैं दोस्तों वो नहीं आ पाए हैं। और व्हील्स इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि दोस्तों अभी गाड़ी का थोड़ा सा यहाँ पर काम जो है बाकी है। और गाइज अभी थोड़ा सा सामान हमें जो है गाड़ी का जो है गाइज यहाँ पर लेकर आना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो दोस्तों व्हील का काम हम जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि उससे पहले जाने से पहले आप सब लोग यहाँ पर बाहर का हाल तो दोस्तों देख ही पा रहे हो। और यहाँ पर देख लो भाई, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। अरे मैडम जी क्या हो गया, आप घबरा क्यों रही है, और तुमको एक थोड़ी ना आ रहा है। अरे ओ मैडम जी, मैडम जी देख लो फिर सच्ची में सीतापुर की चॉकलेट खिला दूंगा, खिलाऊं। 3 2 1 तूने बड़ा दिमाग खराब कर रखा मेरा। बोल बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वैसे मैं छोड़ता नहीं यार किसी को भी, मुझे छोड़ना पसंद नहीं है। ये देखो मेरे मॉनिटर्स दोस्तों इस चीज़ से बिल्कुल प्रूफ है। ये देखो ठीक है, और मेरा पैसा वो करने की मशीन भी। वैसे कुछ नहीं होता है दादाजी की बंदूक के साथ, ट्रैवल ना थोड़ा सा गलत इस्तेमाल ही यहाँ पर अगर कर भी लेगा। चल भाई, ओ भाई, अरे यार ये तो ट्रैवल ने ख़राब कर दिया भाई, पानी निकल जाएगा यार, पीने के लिए रख रखा था मतलब। ये तो कोई सी मशीन भी नहीं चल रही है दोस्तों, मशीन का भी थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यार हमें ना कुछ पहले सामान लेकर आना पड़ेगा इसका, उसके बाद इसके अंदर जो है व्हील्स वगैरह यहाँ पर दोस्तों इंस्टॉल। राइट गाइस, तो यार यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर हमने गाड़ी के अंदर जो एड ऑन करवी सर्विस वगैरह करा ली है, प्लस इसके ऊपर एक ये हुड सा लगवा लिया है, बट दोस्तों अभी जो व्हील्स हैं दोस्तों वो नहीं आ पाए हैं। और व्हील्स इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि दोस्तों अभी गाड़ी का थोड़ा सा यहाँ पर काम जो है बाकी है। और गाइज अभी थोड़ा सा सामान हमें जो है गाड़ी का जो है गाइज यहाँ पर लेकर आना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो दोस्तों व्हील का काम हम जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी उससे पहले जाने से पहले आप सब लोग यहाँ पर बाहर का हाल तो दोस्तों देख ही पा रहे हो। और यहाँ पर देख लो भाई, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। अरे मैडम जी क्या हो गया, आप घबरा क्यों रही है, और तुमको एक थोड़ी ना आ रहा है। अरे ओ मैडम जी, मैडम जी देख लो फिर सच्ची में सीतापुर की चॉकलेट खिला दूंगा, खिलाऊं। 3 2 1 तूने बड़ा दिमाग खराब कर रखा मेरा। बोल बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वैसे मैं छोड़ता नहीं यार किसी को भी, मुझे छोड़ना पसंद नहीं है। ये देखो मेरे मॉनिटर्स दोस्तों इस चीज़ से बिल्कुल प्रूफ है। ये देखो ठीक है, और मेरा पैसा वो करने की मशीन भी। वैसे कुछ नहीं होता है दादाजी की बंदूक के साथ, ट्रैवल ना थोड़ा सा गलत इस्तेमाल ही यहाँ पर अगर कर भी लेगा। चल भाई, ओ भाई, अरे यार ये तो ट्रैवल ने ख़राब कर दिया भाई, पानी निकल जाएगा यार, पीने के लिए रख रखा था मतलब। ये तो कोई सी मशीन भी नहीं चल रही है दोस्तों, मशीन का भी थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यार हमें ना कुछ पहले सामान लेकर आना पड़ेगा इसका, उसके बाद इसके अंदर जो है व्हील्स वगैरह यहाँ पर दोस्तों। ऑलराइट गाइस, हम जो है निकल चुके यार वहाँ से, और भाई मैं तुम्हारा भाई सही गाड़ी चला रहा है, बढ़िया। अब तो मैं दो एक उंगली से चलाऊंगा, देखो देखो दोस्तों गाड़ी इतनी ज़्यादा स्मूथ चल रही है दोस्तों। यहाँ पर थार देखो, कन्नी उंगली से मैं यहाँ पर दोस्तों थार चला सकता हूँ। वैसे इतना ज़्यादा चिल इंसान को नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा चिल होना इंसान को जो है पागल बना देता है। अबे तेरी ऐसी तैसी, निकल गाड़ी। ओके बाकी उस गाड़ी की भाई ऐसी तैसी हो गई, जिसकी भी कार थी वो बढ़िया। चलो मुझे दोबारा से यहाँ, यार एक तो गाड़ी ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है थार। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, बट चल रही है। जो मुझे महसूस दे रहा है ना वो हो रहा है दोस्तों। मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना होगा, बढ़िया। क्या बात है, चलिए
एक नंबर चल रही है दोस्तों गाड़ी, गाड़ी जो है एक नंबर चल रही है। चलो मुझे भी यहीं से जो है मोड़ना पड़ेगा। मिस मी। बढ़िया 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 यार, ये ना स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट सा हो गया इसका यार, कुछ ज़्यादा ही लाइट कर दिया। देखना ये देखो कितनी जल्दी घूम रहा है, इतना ज़्यादा लाइट कर दिया उसने, बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया। अब उसने बोला तो ये है कि इतना ज़्यादा हल्का कर दिया है, आपके एक इशारे पर चले गाड़ी पर। भाई इतना भी लाइट अच्छा नहीं लगता है तो ह्यूंडाई से भी ज़्यादा लास्ट वो हो गया। भाई साहब क्या स्टीयरिंग हो गया दोस्तों, एकदम मक्खन मलाई। बढ़िया, अब मुझे एयरपोर्ट जाना होगा यार, सबसे पहले पार्सल लेके आता हूँ। ओके तो फ्लाइट उड़ चुकी है, तो भाई इसका मतलब अपना सामान भी आए। एक बंदा नीचे दे दिया, बेफालतू का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे पता है मैं सही तरीके से चला सकता हूँ इसको, बट स्टिल फिर भी ना थोड़ी सी दिक्कत, देखो दोस्तों होती तो है ऐसी ऐसी चीज़ें चलाते हुए, किसको नहीं होती, हर किसी को होती है, तो भाई तुम्हारे भाई को भी हो रही है। बहुत प्यार प्यार से, चलो बढ़िया, चलो 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 सही चल रही है वैसे, बढ़िया। चलो सही है। ओ भाई साहब क्या है ये, बढ़िया चलो। भाई ये तो खोल दिया अगर कम से कम, क्या है यार ये। हाँ भाई हम लॉस एंजेलस के प्रेसिडेंट तो है नहीं भाई माइकल की तरह कि हमारे लिए एकदम ये खोलेगा सलाम साहब जी करके। देखो दोस्तों एक चीज़ दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये देखो थार का बैलेंस, देखो क्या बैलेंस है, एकदम घूम के नहीं मुड़ती है। जितनी ज़्यादा हाई स्पीड पे मैं मोड़ने कोशिश भी करूँगा ना तो टायर मोड़ के ना चलती रहेगी एकदम, मुड़ेगी नहीं। इसी चीज़ के तो पैसे है दोस्तों, वरना मैकेनिक भी हमारे जैसा है, इसी चीज़ के तो पैसे लेता है वो। सामने वाले टर्मिनल में पैगेसिस वाले में हमारा सामान आया हुआ है, तो सामान को लेकर चलते हैं जो दोस्तों जल्दी से। चलिए आप उनका सामान गाइस इधर ही आया हुआ है, तो हमें जो है सामान उठवाना है। ज़रा उनको बोलता हूँ जाकर के, भाई अपना सामान बताओ हमारा सामान कहाँ पर है, वो सामान लेने के बाद दोस्तों फिर हमें जाना होगा यहाँ। राइट गाइस, तो अपना भाई यहाँ पर जो भाई सामान हमने रख लिया अपनी थार के अंदर दोस्तों, जो भी अपना सामान दोस्तों यहाँ पर आया है। अब दोस्तों इस सामान को ना मैं जो जहाँ से पुराने उस मैकेनिक से करवाता था ना, मुझे उसी के पास लेकर जाना पड़ेगा। इस थार का भाई अलग ही सामान है यार। चलिए चलो, बढ़िया। क्या सही चल रहा है ना दोस्तों, क्या मस्त चल रहा है। बढ़िया। चलिए मुझे ना पीछे वाले रास्ते से होते हुए चलना होगा। क्या बात है दोस्तों, ओके अच्छा, उस बहन के थैले ने तुम्हारी गाड़ी चोरी करी है, चल तेरी ऐसी तैसी। आया बड़ा तू,
बेचारी औरत की दोस्तों गाड़ी चोरी कर कर ले जा रहा था, इसकी ऐसी तैसी, चल तेरी ऐसी तैसी। भाई ये गोली पता नहीं कहाँ से चली है। ये लो मैडम अपनी गाड़ी, यार आपकी गाड़ी है, रखो इसे आराम से। अरे सही है, चलो थैंक यू चलो बाय फॉर नाउ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मत भूलना, बस पैसे वैसे नहीं दिए। कह रही है मैं भूलूंगी नहीं और मेरा नाम ये वो है, बता के चली गई, मतलब लाइन मार रही थी जो बात है। पर भाई मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इन लाइनों वाइनों का, मैं तो अपना काम करने वाला बंदा हूँ यार। मैं सिक्स्थ गियर में दोस्तों ऐसी खड़ी चढ़ाई पर भी गाड़ी को चढ़ा सकता हूँ, ये देखो देख रहे हो दोस्तों क्या मस्ती से अपनी गाड़ी दोस्तों यहाँ पर जो चढ़ती है। आराम से टाना 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 करती हुई गाड़ी जो चल रही है। अबे यार एक तो ना ये मतलब थोड़ी सी गाड़ी को ना मतलब थोड़ा संभल संभल के ही चलाना पड़ना चाहिए। बढ़िया, चलिए दोस्तों हम अब जो इसको यहाँ पर ले जाकर उस मैकेनिक के पास सबसे पहले इस गाड़ी के जो व्हील्स वगैरह का दोस्तों यहाँ पर काम करवाना जो स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों वहाँ तक का रास्ता मैं जो खुद कवर करता हूँ और होने के बाद सीधा गाइस मैं आपसे जब मिलूँगा, ठीक है ना। चलिए ओ भाई आराम से यार, चलो चलो दोस्तों क्या बात है, वैसे तो सही चल रही है गाड़ी। बढ़िया चल मेरी धन्नो, टिक 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 चल मेरी धन्नो। वैसे दोस्तों फाइनली हम पहुँच ही गए, रास्ता क्या हो इसी के पास में स्टार्टिंग सब तक जो है ये काम जो दोस्तों करवाता हूँ, तो उसी से मुझे दोबारा मौका तो सेवा का ही देने का है सर। चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली हेल्प, ठीक है मिलता हूँ बाद में। चलो तो गाइस अपनी थार जो भाई एक नंबर यहाँ पर बन चुकी है दोस्तों एज यू कैन सी, तो चलो इसको चलाई जाए। क्या लग रही है मेरी थार। चल बे तुम्हारी ऐसी तैसी। दोस्तों थार ना अब तक की सबसे ज्यादा प्यारी लगी है, थार का सस्पेंशन की एक चीज नहीं मिल रही थी वो मिल गई तभी तो थार ऐसी बन पाई है, वरना ये ना बन पाती दोस्तों। भाई साहब क्या प्यारी थार लग रही है ना दोस्तों, मुझे तो देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताना। बाकी यार अभी इसको लेकर जाऊँगा दोस्तों शोरूम पर और वहीं पर दोस्तों खड़ी करूँगा, बट अभी मैं जो स्ट्रिप क्लब जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए, और अभी देखो छोटा शोरूम है धीरे धीरे तुम्हारा भाई बड़ा भी यहाँ पर बनाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ थोड़ी बाइक्स वगैरह भी यहाँ पर रखूँ, जैसे स्प्लेंडर वगैरह या फिर पल्सर NS वगैरह। आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।